इस ब्लॉग में आपको सफर में दिखाने वाला हूँ बद्रीनाथ धाम से आगे का। मेरे मन में आ रही है खुराफात। ओ भाई साहब, उड़ता तीर तो नहीं ले लिया कहीं? ये क्या दिख गया भाई मेरे को? ये देखो यार, ये देखो। अरे वाह यार, वाह। इसको बहुत जल्दी भाई गाड़ी वाले को देखना। तो ये देखो भाई, वहाँ पे देखने को क्या दिखा। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को, और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मनी के 12 में। और भाई साहब, ये खूबसूरत बद्रीनाथ धाम की इन वादियों में, तो दोस्तों जस्ट आपने लास्ट वक्त देखा होगा जिसमें कि हमने आपको बद्रीनाथ धाम और माणा गांव के जो नज़ारे थे खूबसूरत वो दिखाए और बाबा जी के दर्शन कराए। और इस ब्लॉग में आपको सफ़र में दिखाने वाला हूँ यहाँ से, यानी कि बद्रीनाथ धाम से आगे का, कि मैं आज कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। वैसे पहुँचना तो मेरे को गांव तक था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा मैं गांव तक पहुँच पाऊँगा क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, करीबन 200-250 किलोमीटर का जो टोटल सफ़र है यहाँ से। तो देखता हूँ गाइस कहाँ तक पहुँच पाता हूँ, क्या करता हूँ, बाकी आपको दिखा दूँगा। ऐसे बने रहें वीडियो में, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें और बढ़िया से कमेंट कर दें कि आपको जो लास्ट वीडियो थी बद्रीनाथ वाली वो कैसी लगी, है ना। तो आते टाइम बिल्कुल अंधेरा था जब मैं आ रहा था रात को, तो मतलब आसपास का मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था भाई साहब। अब मुझे पता चल रहा है कि आसपास भाई क्या खतरनाक वाले पहाड़ थे। ये देखो, ओए भाई इस साइड भी देखो भाई साहब, चारों ओर मतलब ये ऊँचे ऊँचे पहाड़ भाई, क्या ही खूबसूरती है यार। और ये वाला जो टेरेन है ना भाई, ये अलग ही है। मतलब जो नॉर्मल हम जिस साइड हमारा गांव है ना, उस साइड का जो पहाड़ है ना, वहाँ के पहाड़ों में नॉर्मल जो पहाड़ होते हैं, और यहाँ के पहाड़ों में भाई बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि यहाँ की हाइट भी करीबन 3000 मीटर से ऊपर है, और जिस कारण यहाँ पर पेड़ पौधे आपको कम ही दिखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है ना। देख सकते हैं आप, पेड़ पौधे आपको बहुत कम दिख रहे हैं, सिर्फ हल्की फुल्की जो घास है बस वही दिख रही है, और बाकी ये ठोस पहाड़ और ये जो बर्फीले पहाड़ है ना, चोटियाँ बर्फीली, ये दिख रही हैं आपको, ये देखो ऊपर। और ऐसी भाई ऑफ रोड बहुत सारी है यार इस रोड पे, जोशीमठ तक। भाई बस इन्हीं मतलब गड्ढों से बचने के लिए ना मैंने सीट में अपनी जो जैकेट है वो बांधी है, ताकि बम अपनी बची रहे, नहीं तो भाई आते टाइम तो भाई हालत हो गई थी ख़राब बिल्कुल। मेरा तो व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा यार, इतनी मतलब हालत ख़राब हो गई थी, ठंड लग रही थी अलग, ऊपर से भाई गर्दन दर्द कर रही, हाथ दर्द कर रहे, कमर, सब कुछ मतलब पूरा शरीर जो था ना वो पूरा दर्द कर रहा था। हाँ, लेकिन यहाँ पहुँच के भाई साहब सब कुछ जो थकान थी ना वो मिट गई। एक और ऑफ रोड वाला पैच और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग भी है यहाँ पे। मैंने बताया आपको भाई ये मिनी लद्दाख से कम नहीं है। आगे से यार ये बस रुक जाते हैं यहाँ पे, ये देखो भाई, ये देखो यहाँ नीचे से जा रहा पानी, बर्फीला पानी है भाई, बर्फीला पानी, इतना ठंडा पानी। सुबह जब मैं उठा ना आज, तो भाई पानी जम रखा था, मैंने आपको एक क्लिप भी दिखाई होगी भाई, टंकी में से जो पानी गिर रहा था वो जमा हुआ था भाई, -5-6 डिग्री टेम्परेचर तो था यहाँ पे। और अभी आने वाले महीनों में तो भाई डबल हो जाएगा, डबल, -10-15, जब ये पूरा इलाका ना बर्फ़ से ढक जाएगा। मैं इन्हीं की बात कर रहा था भाई, ये आते टाइम ना अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिख रहे थे भाई। अभी रुकूं आपको पीछे वाला दिखाऊं पहाड़, वो देखो भाई पूरी मतलब रोड के ऊपर से ना ये चट्टान जो ऐसे आ रखी हैं। स्पीति में एक जगह है बिल्कुल उसी की तरह लग रही है भाई ये वाली जगह भी। तो रास्ते चलते देखो क्या मिला हमें। मेरे मन में आ रही है खुराफात। आगे वाला टायर धो दें। ओ भाई आगे आगे से धो देते हैं। ओ भाई साहब कपड़े ना भीग जाए, तगड़ा ही सीन है भाई।
ले भाई आगे से धुल गई, जूते नहीं भीगने चाहिए मेरे। ओ भाई क्या तगड़ा प्रेशर पड़ रहा भाई। बहुत हो गया, अब चलते हैं वापस। ओ भाई जूता, फंसा दी थी भाई, बच गई। उड़ता तीर तो नहीं ले लिया कहीं? नहीं निकल जाएंगे वैसे तो, इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई कितनी धोधी आगे से तो धोधी काफी। सही था भाई, क्या मस्त है ना गाड़ी गुड़ी धोने के लिए तो। चलो भाई बहुत होगी खुराफात, अब चलते हैं आगे। ये देखो भाई अभी हमें उसी रोड से जाना है, और अभी हम हैं यहाँ पे, यहाँ से नीचे लेंगे यू टर्न, ये रही नीचे वाली रोड, यहाँ से भी घूमते हुए पहुँचेंगे पूरी ऑफ रोड। देखो भाई कौन कहता है हिमालयन सबसे बेस्ट ऑफ रोडर है, अपनी एफजी किसी से कम है के? कर देगा कोई ऐसे? क्या शानदार लग रहा है ना ये, ऊपर से भाई पानी भी टपक रहा है ये देखो। आ हा हा हा, ओ हो हो, और यहाँ पे हल्की सी थोड़ा जोर से ब्रेक मार दी तो भाई ऐसे ऐसे करके गिरूंगा, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल डिस्को डांस करते करते। बाकी तो भाई एक नंबर है यार, रास्ते तो एक नंबर है। रात में जब मैं आ रहा था ना तब इतना कुछ विजिबल था नहीं, जिस कारण मैं आप लोगों को भी नहीं दिखा पाया, लेकिन अभी बढ़िया दिख रहा है यार। ओए होए फिर से हिमालयन बन जाए। ले भाई ले भाई, ये देखो यार भाई मेरा कैमरा ना बंद करने का मन नहीं कर रहा है, हर मोड़ पे मुझे ऐसे कुछ नज़ारा दिख जा रहा है कि जो मैं आप लोगों को दिखाए बिना नहीं रह पा रहा इसलिए गाइस वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो यार पूरी वीडियो देखना यार, ज़रूर देखना पूरी वीडियो, पूरी वीडियो में मज़ा आएगा आपको, फॉर श्योर आएगा। और मैं मतलब पार्ट्स में वीडियो में वही रखता हूँ भाई जो इंटरेस्टिंग हो और जिसमें मतलब आप लोगों को मज़ा आए। भाई 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 ये क्या दिख गया भाई मेरे को, भाई ये चोटी दिख रही है आपको टॉप पे? भाई बिल्कुल ओम के शेप की यार, ओम, आपने ओम पर्वत देखा होगा ना, ओम पर्वत भाई वो तो पिथौरागढ़ में है, लेकिन भाई यहाँ भी ओम दिख रहा है। ओ भाई रुको मैं आपको फोन कैसे दिखाता हूँ, ये देखो यार ये देखो। अरे वाह यार वाह भाई वाह, ओ माय गॉड ये देखो, अरे भाई साहब, हालांकि प्रॉपर ओम नहीं बना हुआ लेकिन आप ये देख ही सकते हैं यार, इतना तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, नीचे का जो हिस्सा है ना ये वाला, ये बिल्कुल ऐसे ही ओम शेप में ही है। अरे वाह मज़ा आ गया मतलब यार ये देख के। अरे भाई साहब पता नहीं ये सिर्फ मैंने देखा या और भी लोग देख ही रहे होंगे यार, अगर लोगों ने नोटिस किया होगा तो। ये देखो ये देखो भाई क्या खतरनाक रोड है यार ये देखो। तो ये देखो गाइस अभी हम नीचे आ चुके हैं ना, मतलब बिल्कुल हाइट बहुत कम हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं ये पेड़ पौधे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। ये देखो क्या हरे भरे पेड़ हैं, ये जंगल दिखना शुरू हो जाएगा आपको, और जितनी हाइट पे जाओगे उतना भाई ये बिल्कुल ख़त्म होते जाएंगे। फिलहाल रोड काफ़ी अच्छी आई है, काफ़ी चौड़ी रोड है यहाँ पे, मतलब बढ़िया एकदम, और स्मूथ भी काफ़ी है। नू प्रयाग ये देख लो, रात को आते टाइम दिखा नहीं था अंधेरे में, अभी देख लो भाई काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे भी दो नदियों का हो रहा है संगम।
और फिलहाल अभी एंटर कर चुके हैं हम जोशी मठ में, और यहाँ से आगे निकलते हैं कर्णप्रयाग, फिर आगे रुद्रप्रयाग और फिर श्रीनगर, और आगे फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ भी लगा हुआ है जाम, यहाँ से पूरा यू टर्न लेके देखो ट्रक फंसे हुए हैं। इसको बहुत जल्दी भाई गाड़ी वाले को देखना कैसे भगा रहे हैं। ये देखो भाई एक और जो है ऑफ रोड पैच है, और देखो ऊपर से भाई यहाँ होती है लैंडस्लाइड, बहुत ख़राब रास्ता है भाई यहाँ पे तो बहुत ख़राब। तो दोस्तों अभी मैंने जस्ट क्रॉस किया है गरुड़ गंगा नाम की कोई जगह, बाकी यहाँ से सामने हिमालय का क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है भाई, एक नंबर लग रहा है भाई। दोस्तों फिर से हमने लगा लिया है एक और ब्रेक, क्योंकि भाई कंधे दर्द कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, बैक की वजह से यार बहुत ज़्यादा कंधे दर्द कर रहे हैं, और अब तो थोड़ा बहुत और सामान और ज़्यादा ऐड ऑन हो गया, वहाँ से कुछ सामान वगैरह लिया था प्रसाद वगैरह है तो वो भी बैग में आ चुका है, तो थोड़ा वेट बढ़ चुका है तो कंधे हो रहे हैं दर्द, तो फिलहाल बार बार रुकना पड़ रहा है। और फिलहाल सामने मुझे एक खूबसूरत सा नज़ारा भी दिखा था तो सोचा रुक जाते हैं और आपको लोगों को नज़ारा भी दिखा देते हैं। तो ये देखो भाई नज़ारा, धूप की किरणें पड़ रही हैं, ये अब देखो है ना सही, मतलब क्या खूबसूरत खेत है भाई, देखो काफ़ी शानदार लग रहे हैं ये वाले खेत बहुत, मतलब ऐसे पहाड़ों में ना ऐसे खेत बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन भाई एक नंबर नज़ारा है। फिलहाल अभी लंच के लिए मैं रुका नहीं और देखता हूँ कहाँ पे रुकता हूँ जी। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुका था, एक कॉल आ गई थी, उसके बाद अभी निकल रहा हूँ भाई यहाँ से, अभी मैं हूँ गड्डी कोई एरिया है यहाँ पे गड्डी, हाँ आगे शायद यहाँ से आएगा मे बी नंदप्रयाग आएगा। भाई साहब इस साइड धूप है ना, तो भाई जब धूप शरीर में पड़ रही है ना कितना रिलीफ महसूस हो रहा है भाई, क्या बताऊँ आपको। हाँ, इधर शादी भी हो रही है, सही है, बाकी तो यार क्या मज़ा आ रहा है धूप में। अब जैसे ही यहाँ से धूप गायब हो जाएगी आगे छांव आ जाएगी ना, तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम ठंडा ठंडा सा लगने लगेगा। तो दोस्तों भीमतला जगह है ये, और यहाँ पे देखो मेरे को क्या दिखा, ओए होए ओए होए होए, क्या खूबसूरत वाटरफॉल है यार, क्या शानदार है ना बढ़िया। बाकी ऐसी कुछ जगह है, छोटी सी मार्केट है ये भीमतला, बाकी तो खींच रहे हैं भाई। कितनी मोटी जो परत है वो जमी हुई है मिट्टी की, ये देखो हेडलाइट पे भी पूरी, मतलब बाइक ऐसी हो रही है देखो। बाकी फिलहाल इनको निकालता हूँ, इस साइड का भी देख लो ये देखो, और ऐसा कुछ है भाई रास्ता, ये जा रहा है रास्ता नीचे की ओर, और वो सामने आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी इधर कहीं, तो यहीं से अभी होके हुए भाई इधर जाना है हमें आगे श्रीनगर, इस पहाड़ के उस साइड है कहीं, तो फटाफट ये चेंज वेंज करते हैं, ग्लव्स ही पहन लेते हैं क्योंकि ठंड लग रही है, बस फिर उसके बाद निकल जाएंगे श्रीनगर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके थे श्रीनगर गढ़वाल में, और भाई काफ़ी टाइम मुझे यहाँ पे हो गया, करीबन एक दो घंटे मैं बैठा रहा, और प्लान मैं बता दूँ आज मैं यहीं रुकने वाला हूँ, और किसके साथ रुकने वाले हैं भाई अभी ये देखो। हाँ भाई, जय भाई, जय श्री राम भाई,
जिन्होंने भाई हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो भाई पहचान लिया होगा, नहीं तो बता दो ये है भाई अपना भाई मामा का लड़का विक्की ब्रो, मामा जी का लड़का हमारा बड़ा भाई। तो ये भी था इधर ही श्रीनगर में, तो बड़ा अमित बोल यार भेज दी बात कर, बड़ा अमित बोल दीजिए एक साल बोलते हैं। तो भाई ये भी था इधर ही श्रीनगर में, तो उसने बोला कि आज यहीं रुक जा, मैंने कहा रुक जाते हैं इधर ही। तो भाई इधर खड़ी है अपनी बाइक, इधर है भाई अपना ब्रो, और इधर अभी होटल में आए थे तो कुछ खाना वगैरह जो है वो पैक करा लिया है, बाकी अभी रूम पे जाके खाएंगे और फिर सो जाएंगे बढ़िया करके, है ना।